आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत गोपालपुरा, पंचायत समिति दरियावद, जिला प्रतापगढ़। सरपंच पद प्रत्याशी श्रीमती नगली देवी मीणा वे समाज सेवी पूर्व सरपंच नाथूलाल मीणा ने बताया कि मैं पूर्व में सरपंच पद पर था, मेरे विकास कार्य देखते हुए जनता ने मुझे फिर से चुनाव मैदान में आने के लिए प्रेरित किया है। यह मेरे द्वारा पंचायत वासियों को विश्वास दिलाया जाता है कि जो विकास कार्य पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए थे, उस विकास कार्यों को जरूर पूरा करूंगा। और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति दरियावद की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के जो सरपंच पद प्रत्याशी है नाथूलाल जी मीणा, उनसे खास बातचीत करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी 4 बार ये सरपंच रह चुके हैं और रेगुलर लगातार सरपंच ही पद पे आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या है, किन मुद्दों को लेकर बाद अब के और वापिस मैदान में, तो उनसे खास बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नाथूलाल जी, क्या ऐसी विशेषता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होती है, 4 बार आप सरपंच चुनेंगे, 12 बार सरपंच आते हैं, ऐसी क्या विशेषता है? हमारे वापिस 5वीं बार आप वापिस पुणे में जाते हैं। हमारे को ये विशेषता है कि हम लोगों की सेवा करते हैं और सेवा से काम करते हैं, और हम राजनीति करते हैं तो सेवा की भावना से करते हैं, और मैं राजनीति के लिए सबको सम्मान रखता हूँ। जी जी, इसको अलग नहीं छोड़ता हूँ, मेरे सामने वाला दुश्मन होता है उसका भी काम करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को लोग अच्छी तरह से मेरे को वापस क्या करते हैं, और इसके लिए मैं लोगों की सेवा करवा के लिए हम खड़े हैं। हमारी घरवाली धर्मपत्नी अभी चुनाव लड़ रही है, मैंने लड़ रहा हूँ, मेरे घरवाली लड़ रही है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं लोगों की सेवा करूँ अच्छी तरह और काम करके लोगों को, मेरे दिल में भावना है मेरी, गरीब का हम किसी का लिए इतना करवा चाहते हैं और काम करके, और किसी भी लोगों को हम जहाँ जाते हैं जेब में सील रखते हैं उसको जहाँ जाते रोड पर खड़े रहकर काम कर देते हैं। यह नहीं है कि तुम मेरे घर पे आप फिर काम करते हैं, ऐसा नहीं सोचते। जब दरियात में मिलते हैं दरियात में काम दे और अधिकारी के पास जाते हैं तो उसको सम्मान से हम बात करते हैं और हमारा काम वो अच्छी तरह से हो जाता है। सरपंच साहब, अब की बार मुख्य एजेंडा क्या है? वैसे तो हमेशा आप रेगुलर 4 बार रहे, लेकिन अब की बार मुख्य एजेंडा क्या, मुद्दा क्या आपका क्या? हमारी पंचायतों का मुद्दा नहीं, आप भी देख के वोट देते हैं, विकास कार्य को देख के। विकास विकास तो हम करते ही करते हैं, विकास में कोई कमी रखते नहीं जी जी। लेकिन हमारा वो देखते सामने वाला आदमी कितना ईमानदारी है उसी हिसाब से वोट देते हैं। लोग बहुत लोग हैं उसको काम करवा के बजे उसका खुद का उसका झोली भरवा के कोशिश करते हैं। हम बहुत ही सोचते हैं, हम भगवान जाते हैं हमारे घर पे, हम सक्षम हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षा के लिए मैं बराबर जोर लगाता हूँ, कोई लोग मेरा भाई को गरीब आदमी होता है कोई पढ़ता नहीं है उसको मैं जाके टेकल करता हूँ बराबर उसको, और चलाता हूँ और मेरे लायक कोई सेवा बताता हूँ उनको, कहता हूँ मेरी कोई जरूरत पड़ेगी तो तेरों को छोटा मोटा के खर्चा पानी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी सब मन यही है कि मेरे गाँव में कोई आर एस IPS बने तो मेरा ज़्यादा मेरी कुछ होती है, इसीलिए मैं ज़्यादा लोगों को टेकल करता हूँ और लोग मेरे लिए इसलिए ज्यादा आकर्षित है। पंचायत को आप किस प्रकार से देना चाहते हैं, गोपालपुरा पंचायत को किस प्रकार की पंचायत बनाना चाहते हैं? गोपालपुरा के लिए मैं मतलब दरिया तहसील में हटके होनी चाहिए, मेरी सोच ये है कि दरिया पंचायत समिति में मेरी पंचायत अलग भी नजर आनी चाहिए। मेरे बाद लेटे बाद सोशल बनाया था तो प्रतापगढ़ जिला में मेरा पूरा हटके नाम है, काम में हम कई कभी कंजूसी नहीं करते और काम बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं, निर्माण का काम हम अच्छे मतलब अनुसार करते हैं कि मतलब यू कोई सीमेंट काम कर देने वो कर देने कोई काम ऐसा नहीं सोचते। अभी तक 2001 से लगा कर मेरा काम अभी तक बरकरार है 20 साल। अपने यहाँ 90% किसानों के लिए तो कल हम यही कहते हैं आप खेती कर रहे हो मतलब छाइट जो बाबा बच्चा पढ़ाओ तो बच्चा पढ़ाएगा बच्चा आगे जाएगा, एक बच्चा घर पर नौकरी लग जाएगा तो आपका परिवार पूरा सुधर जाएगा, और खेती करते करते तो हमारे माता पिता भी मर गए हमें भी थके, पर लेकिन जो पढ़ाई होती है उसको पढ़ाई का मुकाबला कोई चीज नहीं है। मेरा बेटा भी MBBS बना तो मैंने उसको बराबर टेकल किया, वो अब मेरे को टेकल वो कर रहा है, लेकिन मैंने क्या उसको अब वो मेरा टेकल कर रहा है। तो सुनो, अपने क्षेत्र की बात करें तो अपने अभी भी कई कुरीतियां जैसे बाल विवाह है, बहु है, दहेज बढ़ता है, मृत्यु बहुत है, ऐसी कुप्रथाएं चल रही है, ऐसी स्थितियों पे लगाने के लिए आपके क्या प्रभावी कदम रहे, क्योंकि आप तो पुराने वैसे भी रहे हो और समाज के अंदर भी आपकी अहम भूमिका है। हम ये चाहते हैं अभी अपने मतलब कुरीति हमने बंद कर दी थी, अभी बच्चा भी हमारा 23 साल 20 साल का होगा तो शादी करा रहे हैं हम, और लड़की भी बराबर उसको उम्र 18 साल होती है तो शादी कराते हैं, उसको पढ़ाते हैं बराबर,
पढ़े क्या है कि पंचायत राज के चुनाव आते हैं तो क्या सरपंच है धन बल बाहुबल हर तरह से प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव करने के लिए क्या सलाह देंगे? निष्पक्ष सलाह करने के लिए पब्लिक वोट देती है, लेकिन ये हमारे भाई लोग से पढ़ लिख जाएगा तो हमको घर घर जाना की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आज भी देकर वोट दे, सिटी में चुनाव होता है तो आज भी देकर वोट देते। मैं भी दरिया से चुनाव लड़ा 2006 में, तो मेरे को खाली जाके उसको नमस्कार करना पड़ा, उसके बाद मेरे को सब लोगों ने मेरे को वोट दे दिया। हमारे यहाँ क्या है, थोड़ी सी रीति खराब है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, थोड़ा समझ कम है, और वो सोचता है कि यार सरपंच मेरे को अच्छा रखेगा, मैं अच्छा करूंगा, तो हम भी उसको अच्छा रख रहे हैं और हमारा बराबर साथ दे रहे हैं। और अभी समझदारी बहुत आएगी आगे, पहले वालों से बहुत, पहले तो क्या करते हैं कि छोटो मोटो देखता था, अभी तो समझदारी आएगी बहुत आगे। सर आप रेगुलर चौथी बार से पांचवी बार चुनाव लड़े थे, रीजन क्या, मुख्य है कारण क्या ऐसा कि बार बार सरपंच के चुनाव लड़े? मैं सरपंच को चुनाव लड़ना कारण मेन कारण बार बार रीजन का हमारा क्या है कि हमारी मेरी मंशा ये है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पूरा परिवार की, मेरे गांव की, मेरे पंचायत का, मेरा पूरा परिवार है या मेरा पूरी पंचायत का, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और दिल से धन से मन से करना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी कारण से भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा मन है लोगों के साथ, हमने सब लोगों के लिए बार मास्क बना दिया, 2000-2500 मास्क बना दिया, सबको मास्क है सब, इसलिए हम बाइक पे ले जा रहे, 2-2 आदमी जाएगा उसको मास्क लगे जाएगा, तो वो किसी को सामने बाइक पे खड़े रहेगा और हम मीटिंग करेंगे, दूर दूर खड़े रहकर बात कर रहे हैं और मतलब एकता नहीं कर रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल उसका, और सैनिटाइजर भी कराएंगे।